तीन महीना हो गया, ऐसा मार्केट यार इंडिया में कहीं नहीं है, उन्होंने ये बोला। सही बोला भाई, बिल्कुल सही बोला। चिड़िया का बच्चा है ये, सो रही है क्या? ये देखो गाइस कैसे बैठी हुई है एकदम, बहुत ज्यादा जूम कर दिया मैंने तो बाहर से आने और जाने का कोई चांस ही नहीं है। और इसने सोचा ही नहीं होगा कि उस तरफ रास्ता है सीढ़ी की तरफ, और सीढ़ी की तरफ रास्ता कहाँ है जब नीचे उतरते हैं। तो गाइस हम आ गए मार्केट, और मार्केट में आते हमारे साथ धोखा हो गया है, और मैडम यहाँ पर एकदम अचानक से चौंक चुकी है। क्यों मैडम, तुम्हें क्या लग रहा था मार्केट लगा होगा आज, है ना? पर गाइस ये देखो एक भी सब्जी वाले भैया नजर नहीं आ रहे, और बड़ा अफसोस हो रहा है क्योंकि आज है सैटरडे और कल है संडे। और सैटरडे के दिन जैसे कि आप सभी को मालूम है गाइस कि हमारे घर के नज़दीक मार्केट लगती है, लेकिन अब हम सही टाइम पर पहुंच नहीं पाएंगे। तो अफसोस की बात है कि हम यहाँ से अब सब्जी भी नहीं ले सकते, और उस तरफ भी सब्जी मिलती है। हाँ एक आलू प्याज भी मिल जाता तो ले लेते यार, लेकिन आलू प्याज तक नहीं मिलेगा। अरे आलू वाले भैया तो नज़र आ रहे हैं, है बीबी? हरी सब्जी है लेकिन दूर दूर पर है, उधर अंदर की तरफ, अंदर की तरफ मार्केट थोड़ी बहुत है। बैग में रखा था ना, देखो तो बैग में होगा, ज्यादा बड़ा। आधा किलो दीजिए मैम, और चढ़ेगा। देखिए तो अब होगा, लीजिए आंटी। घिया कैसे दिया आंटी? कद्दू तू बना तो खाते ही वाला लो ना। काय लगे तो धारे तो बाबू एक बार आधे किलो दे देनी। ना 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 लगे रखा ही चलो, ये तो नोले 40। ओ भाई साहब, गाइस ये आपको लग रहा होगा कोई रेलवे स्टेशन है ना, लेकिन ये एक्चुअली सब्जी मार्केट है। जितने भी सब्जी वाले पहले बाहर की तरफ जो सब्जी लगाते थे ना इस रातु रोड के पास, वो सबके सब देखो यहाँ पर उनको एरिया दे दिया गया है, और ये गवर्नमेंट ने काफी अच्छा काम किया है। और हमें क्या लेना है, हाँ तो मैडम अभी यहाँ बैठेगी और मैं जाऊँगा मिर्ची लेने के लिए, क्योंकि मैडम काफी थक गई है। अब ऐसे मैंने सब्जी वब्जी तो ले ली है, तो खाली सिर्फ मिर्ची लेके आना है ना। 5 रुपए का लेना ज्यादा मतलब नहीं, एक तो मत लेना, पिछले बार पूरा मिर्ची खराब हो गया वाला, 5 रुपए 5 रुपए चाहे 4 दाना उतना ही लूंगा। ठीक है तो चलो चलते हैं, दिखाता हूँ मैं आपको। तो वाकई में गाइस काफी अच्छा कर दिया गया है, देख रहे हो गंदगी यहाँ पर है नहीं, क्योंकि अभी नया नया है ना, और उम्मीद है कि आगे से भी ये लोग अच्छे से सफाई से रखेंगे। BIT मोड़ के पास भी है मार्केट, लेकिन वहां पर ऐसा है कि लोग जहां तहां मतलब लाइन में बेचते नहीं है, पर ये जो चीज बनाई गई है ना, देखो टाइल्स वाइल्स लगाया गया, मैंने पहली बार देखा ऐसा सब्जी मार्केट, वो भी रांची के अंदर बनाया गया है इतना अच्छा। यहाँ पर स्पेस भी काफी अच्छा है, मतलब तो चौड़ा है, कहीं से भी लोग आ जा सकते हैं, और खरीदने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठिए भी ज्यादा छोटे बड़े, छोटे छोटे भी नहीं है ठिए, बड़े बड़े ठिए हैं। तो चलो मुझे लेना है मिर्ची, पहली बार देख रहा हूँ कि सब्जी मार्केट ऐसा है। ऐसा तो यार दिल्ली में भी नहीं करा सरकार ने सब्जी वालों के लिए कोई अलग से दिया हो। मिर्ची कैसी भैया? 15 रुपए 5 रुपए ऐसे नहीं करो, घाटी लग रहा है। कौन सी नहीं है मार्केट यहाँ पर, कब से लग रही वाला? 3 महीने 3 महीने से ना, हम 3 महीना बाद आए हैं, पहली बार देख रहे हैं ऐसा मार्केट। चलो बढ़ गया। हाँ पटना में भी नहीं है, और इंडिया में कहीं नहीं है, तो पटना बोल रहे सही बोल रहे हो, इंडिया में कहीं नहीं है, लेकिन देख के अच्छा लगा। अच्छा है, हवादार भी है, साफ सफाई भी, सब कुछ है, 4 बार झाड़ू मराता है। किराया मांगते होंगे ना इसका? अभी नहीं शुरू किया, अभी नहीं शुरू किया, कुछ समय बाद लेगा।
वही ज्यादा मिलेगा 400-500। हाँ ठीक है, लेकिन बढ़िया कम से कम राहत राहत है। बारिश उरिश में कोई दिक्कत भी नहीं है, बच्चा उच्चा भी है तो हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। कहीं रोड में बहुत दिक्कत रहता था, ट्रैफिक भी बहुत लगता था ना। ट्रैफिक चला गाड़ी लगा के 1 बजे से भी तुम नहीं चले तो बाइक लगा देते। हाँ एगो बाइक लगा दिया, बाकी खड़ा है ऐसा होता। आपके लिए भी बहुत ज्यादा सुविधा, सबके लिए सुविधा। हम लोग यहाँ बेचते हैं, एक छोड़ छोड़ के चल रहे 10 किलोमीटर बच गया तब नीचे तो सबको उठा पठा के लेते हैं। अरे हम यहाँ छोड़ के चल जाते हैं बस ऐसे छोड़ छोड़। कुछ 6 को मिर्चा भी नहीं, टेंशन फ्री हो गया। हम पहली बार देखे मार्केट, बहुत अच्छा। तो गाइस वाकई में लोग काफी खुश हैं। मैंने पूछा एक अंकल से कितने दिन हो गए यार, 3 महीना हो गया, ऐसा मार्केट यार इंडिया में कहीं नहीं है। उन्होंने ये बोला, सही बोला भाई, बिल्कुल सही बोला, इंडिया में ऐसा मार्केट कहीं नहीं है। देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ के लोगों के अंदर पेशेंस बहुत है। वेजिटेबल मार्केट RMC रांची, वेजिटेबल मार्केट भाई। चलो यहाँ से एग्जिट करता हूँ मैं, और इसके ऊपर भी शायद धीरे धीरे मार्केट लगना स्टार्ट कर देंगे। अभी ऊपर वाले फ्लोर पे लगा नहीं है, पर लगेगा धीरे धीरे। और सामने की तरफ है रातू रोड, यहाँ से शायद गाड़ी वाड़ी आने के लिए सही जगह बना रखी है, और यहाँ से पैदल चलने के लिए। बहुत खास चीज लगी मुझे बहुत, मतलब ये देखो मैडम यहाँ इंतजार कर रही है हमारा। तो मैंने सब्जी वाले भैया से बात किया, कैसा लग रहा है ऐसी मार्केट, अच्छा है कैसा है? कह रहे बहुत राहत मिला, अच्छा है। क्योंकि मैंने पूछा कि ऐसा मार्केट मैंने आज तक कभी नहीं देखा, पटना में कभी नहीं देखा, किसी और शहर में कभी नहीं देखा, मैंने इंडिया में। उन्होंने बोले कि मैंने पूरे इंडिया में ऐसा मार्केट नहीं देखा। कैसा है? साफ सफाई है, काफी अच्छी साफ सफाई है। सब्जी का रेट कैसा है? सब्जी का रेट नॉर्मल ही जैसे पहले की तरह है, वैसी है यहाँ पर। ये है कि लोग भी खुश हैं, और एक चीज पता है क्या है यहाँ का, बारिश होने के बाद कीचड़ भी नहीं होगा, कीचड़ भी नहीं होगा। और दूसरी चीज ये बात है ना कि यहाँ पर लोग अपना सामान, जैसे कि ना होता है ना कि कोई लेके चले जाए घर पे वापस लेके चल जाते हैं सामान, यहाँ पर लोग छोड़ के जा सकते हैं, कोई चोरी नहीं, कोई चमारी नहीं, क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी वाले बैठे रहते हैं। किचकिच भी नहीं होता है, किचकिच भी नहीं, बारिश भी नहीं, और चोरी चमारी का भी डर नहीं। और उठा के ले जाने का भी होता है ना बार बार कि मार्केट खत्म हुआ तो रात को उठा के लेके चलो घर। फ्रूट्स भी उधर मिल रहा है। हाँ उधर फ्रूट्स भी मिल रहा है, और शायद ऊपर वाला फ्लोर अभी खाली है तो धीरे धीरे उसमें मार्केट लगना स्टार्ट कर देगा। चलो गाइस चलते हैं। तो फिलहाल गाइज, फिलहाल मैं हमेशा ब्लॉग के स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ फिलहाल ही बोल देता हूँ जब भी कैमरा ऑन होता है तभी। तो अभी मैं अपने घर वापस आ गया हूँ, और साथ में मैडम भी आ गई है। और घर आते ही पूरा घर तो अंधेरा था, जैसे मैंने घर की लाइट ऑन करी तो एक चीज दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो हमारे घर के अंदर एक बहुत खूबसूरत मेहमान बैठा हुआ है। पहली बार जब मैंने इसे देखा तो मैं डर गया था, मैं सोचा ये क्या है, बच्चा जिंदा भी है कि मर गया है। फिर मेरे को लगा ओ शिट ना, क्योंकि अभी इसकी मुंडी उस तरफ थी अब इस तरफ है, अब ये कौन सा पक्षी है मुझे पता नहीं चल रहा। कई बार हमारे घर के अंदर चिड़िया या इसे पता है कि मैं इसे देख रहा हूँ कि नहीं देख रहा। हाँ हाँ देख रहा हूँ, देख रहा हूँ, इसको पता चल चुका है कि मैं इसको देख रहा हूँ। तो ये घबरा रही है, तो लग रहा है कि मैं इसके साथ कुछ करूंगा, पर मैं अभी फिलहाल ये वाला शीशा खोल दूंगा जिससे कि ये बाहर चली जाएगी। तो अब इसको बाहर कर देना है। तो इसको लग रहा है कि मैं इसको मारूंगा, पर मैं इसको मार सकता नहीं हूँ। तब चुपचाप शांति से बैठी हुई है और जरा से भी नहीं फड़फड़ा रही है। तो इसको अभी बाहर निकालना है। एक चीज इधर आओ, इधर आओ, पता नहीं मैंने ना नोटिस, मतलब जब मैं इसको पहली बार देखा ना मैं डर गया था। फिर देखो अरे ये है क्या, ये चिड़िया इसे कहाँ से आ गई? तो वही मैं सोच रहा चिड़िया कहाँ से आ गई, शायद वहाँ सामने वाले गेट से एंटर करी होगी ये, है ना। रात के अंधेरे में पक्षियों को कम दिखाई देता है ना, हाँ, तो इसीलिए इसको शायद दिखाई नहीं दे रहा। और यहाँ से लेकर वहां तक पूरे घर में वहां तक शीशे पैक हैं, तो बाहर से आने और जाने का कोई चांस ही नहीं है। और इसने सोचा ही नहीं होगा कि उस तरफ रास्ता है सीढ़ी की तरफ, और सीढ़ी की तरफ रास्ता कहाँ है जब नीचे उतरते हैं तब मेन गेट से है। तो इसको अभी बाहर कर देने में भी वरना ये घबरा रही है। अगर रात को इसको भूख लगी तो कहाँ जाएगी फिर, ये खिड़की खोल देता हूँ, इसको लगेगा कि खुला है। ये वो अपने क्या आप जा सकती हो यहाँ से, यू कैन गो, ये सोच रही है। हवा आ रही है, वो रास्ता खुला हुआ है, आप जा सकती हो वहाँ से। ये भी कंफ्यूज हो रही है, सोच रही है जाऊँ कि नहीं जाऊँ। उसे लग रहा हो कि अभी भी शीशा पैक है, शीशा खुला हुआ है, आप जा सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ से और खोल देता हूँ, देखो ये लो, चलो जाओ जाओ बेटा जाओ जाओ। कौन सी चिड़िया का बच्चा है ये, सो रही है क्या? ये देखो गाइस कैसे बैठी हुई है एकदम, बहुत ज्यादा जूम कर दिया मैंने इसको। क्यों बाबू बाहर नहीं जाना आपको? घबरा आ रही है, मैं इसको छू भी नहीं सकता। बाहर नहीं जाना बेटा आपको, इसके पैर के पंजे
क्या है, घास वास लगी है जो हिल रही है। बस यही तो था, बाकी तुम्हें काट के दिया ना दो। मेरा क्या नुकसान है?